लिए वर्तिका प्रेम की विश्वासों का तेल, लिए वर्तिका प्रेम की विश्वासों का तेल, दीपोत्सव में हो गया मन से मन का मेल। प्रभावित हुई लेकिन उसी दौरान एक योजना लाई गई, पीएम स्वनिधि योजना। हमारे जो पटरी के किनारे दुकानदार रहते थे, जो ठेला लगाते थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, उनके लिए एक नई योजना लाई गई कि इनको 10,000 का लोन दिया जाए और इनकी जीविका में वृद्धि किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की गई और सभी जिलों में, जैसे इस जिले में लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच टारगेट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। तो उन छोटे छोटे हमारे जो दुकानदार थे, जो पटरी के किनारे बैठते थे, सड़क के किनारे बैठते थे, उनकी आय में वृद्धि हो और एक भरपूर उनको अवसर मिले, जो पिछले दिनों उनका नुकसान हुआ है, एक ऐसे वातावरण में उनको दुकान लगाने का अवसर दिया जाए जो संभवतः बड़े बड़े दुकानदार या बड़े बड़े उत्सवों में उन्हें जिनको अवसर मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोरोना में तबाही हुई है और पूरी दुनिया में इसके कारण से बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन भारत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया और हमारा उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया और कोरोना के दौरान लोग अपने अपने घरों में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को जगा करके रखा। आत्मचेतना के आधार पर, योग के आधार पर पूरी दुनिया ने कहा जिस रास्ते पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं, इसी रास्ते पर चल करके हम लोग अपने जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा दिया जलाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली और ताली बजाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा योग करिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा काढ़ा पीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मास्क लगाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लोगों का आह्वान किया कि थोड़े दिन अपने घरों में रहिए जिससे हम कोरोना पर नियंत्रण स्थापित कर सकें, और उनकी बात को भारत का हर व्यक्ति उसी रूप में माना जैसे हमारे यहाँ मंत्र को हम स्वीकार करते हैं, यानी नरेंद्र भाई मोदी के एक एक शब्द को मंत्र के रूप में मान करके हम लोगों ने आत्मसात किया, जिसका परिणाम था कि भारत पूरी तरीके से सुरक्षित हुआ। मेरे उन्नाव के वीर सपूतों, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है कि वास्तव में इतनी बड़ी महामारी, लोग कहते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी महामारी इसके पहले कभी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। कैसे भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री के कारण से मेरा भारत आज पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इसलिए मैं जोरदार तालियों के साथ एक बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए।